अरे बोलने नहीं दे रहे ये लोग, इनसे पूछो सवाल। मैं पूछ रही हूँ आपसे, इनसे पूछो, मैं पूछ रही हूँ। लेकिन इस कॉलोनी की सड़क पिछले 4-5 साल से टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है हमें नहीं मालूम ये कौन बनाएगा, पर ये आज तक नहीं बनी। और अगर लोगों के यहाँ करके इस टूटी हुई सड़क पर चल के खुश हैं तो लानत है इन लोगों की जिंदगी पर। अच्छा मैडम, मैंने वोट नहीं करना, मैंने नोटों का बटन दबा। आप देख सकते हैं सामने, यहाँ तिमारपुर में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ तिमारपुर के नेहरू विहार में यहाँ पर जो है दिलीप पांडे जी आए हैं, और यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़ी हुई है तिमारपुर से रोमिला गुप्ता जी। तो अभी आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारे लग रहे हैं दिलीप पांडे जिंदाबाद के और आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी सब कुछ करा सर, और क्या अभी 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 और भी लोग हैं यहाँ पर, आप तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर शराब भी रखी है, यहाँ शराब भी रखी है, उन्होंने शराब भी रखी है, जो आया शराब भी रखी है, यहाँ के है ही नहीं, आप कहाँ से हैं? हम यहाँ से हैं, नेहरू विहार से। ये हमारे मुद्दे हैं, हमें पता है कैसी सड़क बन रही है और कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। ये तो यहाँ के है ही नहीं, दिलीप पांडे जी विधायक, दिलीप पांडे जी हैं जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, जो हर तरह से इलाके की जो विकास जिसे बोलते हैं वो कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सड़कें तो खराब पड़ी हुई है ना, वहाँ पे एमसीडी की है, एमसीडी की है, करप्ट एमसीडी, 4.5 करोड़। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिलीप पांडे जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं आए हुए हैं। सर सर सर, यहाँ पर आपकी विधायकी है इतने टाइम से, तो यहाँ पर कितना अभी शोरगुल मचा हुआ है आम आदमी पार्टी? अरे गोकुलपुर से कुछ लड़के आए थे बीजेपी के, उनको कुछ पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए बच्चे हैं, माफ कर दीजिए उनको। अच्छा, बता रहे शराब पीकर भी आए हुए हैं, बहुत गलत है, बताइए शराब पी के यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनके बीच में आके और सब बदतमीजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मैं जान गया, सब लोग पहचानते हैं, यहाँ का कोई है नहीं लोकल, गोकुलपुर से आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं लोकल मुद्दे क्या है, लोकल इश्यूज क्या है, खाली मुर्दाबाद करने को पैसे देके भेज दिया गया है। हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी का चुनाव हार चुकी है, 4 दिसंबर को बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, और दिल्ली में एमसीडी की सियासत का और एमसीडी दिल्ली की सड़कों का झाड़ू लगा के दिल्ली के अंदर सफाई करेगा। झाड़ू आएगी सर, 200% झाड़ू आ रही है, लेकिन एमसीडी में तो तिरंगा लहराया जा रहा है लगातार, बीजेपी का भी बिगुल बजा दिया। बीजेपी से लोग 3 बार उनको सरकार बना के बीजेपी से लोग त्रस्त आ गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, सत्यानाश कर दिया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है सर। तो अभी देखिए ये दिलीप पांडे जी थे जो अभी बता रहे हैं, तमाम जो लोग आए हैं जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये विपक्ष यानी कि बीजेपी पार्टी के जो इस तरीके की जो घटिया घटिया काम करने की बात बताई जा रही है कि वो शराब पी करके यहाँ जो लोग आए थे वो मुर्दाबाद किनारे लगा रहे हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ पर, तमाम जनता है यहाँ पर जुटी हुई है, जो आज जनसभा लगाई गई थी यहाँ पर, आज मैं बता दूँ नेहरू विहार में यहाँ जनसभा लगाई गई आम आदमी पार्टी की, जिसमें दिलीप पांडे जी मौजूद थे और यहाँ पर प्रोमिला गुप्ता जी जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं प्रत्याशी के रूप में आज वो भी मौजूद थी। यहाँ पे तमाम जनता है, भीड़ है, जो अभी मैंने अभी दिलीप पांडे जी से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा जुनेद राजा। हाँ, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? आम आदमी की पार्टी 230 प्लस आएगी। 230 प्लस? हाँ, एमसीडी में बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो लगातार उनके ऊपर तो आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, वो आरोप साबित तो नहीं हुए ना, आरोप मैं आप पे भी लगा दूं कि आपने करप्शन करा, लेकिन जब साबित हो, जब मुजरिम होता है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं वजीराबाद। वजीराबाद रहते हैं, यहाँ पर अभी प्रचार प्रसार के लिए आए थे, आम जनता भी है? नहीं, मैं आम जनता ही हूँ। अच्छा। और बाकी आम जनता ही है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में आएगी? बिल्कुल 110% आएगी और आम आदमी पार्टी ही आएगी, क्योंकि देखो एमसीडी के अंदर क्या नाम है अपना, जो बीजेपी ने जो निकम्मे काम करे हैं, अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आकर अपने अच्छे काम करेगी। अच्छे काम करेगी,
अच्छा ये बताइए, अभी नालियां सड़कें में रहे, नेहरू विहार के टर्मिनल के पास से आ रही हूँ, नालियां बह रही हैं बुरी तरह से, नाले सड़कें खुदी पड़ी हैं और जो बस स्टैंड है वो तो खाद छान रहा है। तो ये एमसीडी का काम था, 15 साल से करके आ रही थी, 15 साल से कुछ काम करा इन्होंने एमसीडी वालों ने? कुछ नहीं करा। करने का काम भी एमसीडी का है और जिस रोड की आप बात करिए वो भी एमसीडी की है। विधायक श्री दिलीप पांडे जी ने हमें अभी बताया है कि उन्होंने इस रोड के लिए केजरीवाल साहब से फंड लिया था, लेकिन एक एलजी साहब का प्रोग्राम था मुखर्जी नगर के अंदर जिसमें एलजी साहब ने हमारे जो सांसद भगोड़े सांसद हैं मनोज तिवारी जी उनके सामने उनको बोला कि क्या मैं इस रोड के लिए, उन्होंने उसी टाइम बोला कि 4 करोड़ रुपए इस रोड के लिए दे रहे हैं। मैडम 4 करोड़ रुपए में कौन सा रोड बन जाता है आप ये बताइए पहले। उसके बाद भी विधायक जी ने यह बोला कि जब मेरा फंड और मनोज तिवारी जी का फंड, दोनों फंड एक साथ लगना सही नहीं है, मनोज तिवारी जी आप फंड लगाइए मैं अपना फंड वापस ले रहा हूँ, उसने वो काम भी नहीं करा। उसके बाद लोगों ने जब परेशान होकर विधायक जी से गुहार लगाई तो विधायक जी ने हमें अभी एक दिखाया है फॉर्मेट, उसमें साफ है कि चुनाव के बाद उस रोड का निर्माण कार्य दोबारा विधायक श्री दिलीप पांडे जी ही करेंगे और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी ये हमारे पास है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारा काम आने वाले टाइम में एमसीडी चुनाव के बाद विधायक श्री दिलीप पांडे जी द्वारा ही कराया जाएगा। हमारे जो सांसद मनोज तिवारी थे जो 4 करोड़ रुपए देकर गए थे वो 4 करोड़ रुपए कहाँ गए पहले तो ये जानिए उनसे। आम आदमी पार्टी जो दावे वादे कर रही है कि बिजली पानी फ्री, अब तो बिजली का बिल भी आ रहा है और ये मेरा जीरो आया है, मेरा अभी भी जीरो है, मेरा आज तो कोई बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो चालू रखना चाहते हैं सब्सिडी के लिए, ऐसा क्यों बिल लिखा जा रहा है? जीरो आ रहा है, मैं तो कोई फॉर्मेशन नहीं करी, उसके बाद ही मेरा जीरो आ रहा है, मेरे को आ रहा है। हाँ जी मैडम, और जो लोगों का बिल आ रहा है दबा जी, मेरे घर में 4 फैमिली है, चारों के जीरो आ रहे हैं और उससे मेरे को मतलब नहीं। मैं अपने घर सरकारी स्कूल का मॉडल जो बताया जाता है, सरकारी स्कूल का मॉडल, सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया, अब तो बेच दिया गया है उनको प्राइवेट कर दिया। हमारे पीछे सरकारी स्कूल आप ये देख लीजिए, कैमरामैन साहब घुमा के दिखाओ तो ये हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल भी सामने आप देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है हमारे, ये सरकारी स्कूल है, नेहरू विहार का सरकारी स्कूल है जिसके बैकयार्ड में हम लोग खड़े हुए हैं और तमाम जनता यहाँ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम अधवा है। आप देखो दिल्ली सरकार के स्कूल देखो कितने अच्छे बने हैं और एमसीडी स्कूल एक तरफ देख लो जिसमें टाट पट्टी नहीं है, बच्चे ठंड में मर रहे हैं, कभी इनको शर्म नहीं आती, ये बीजेपी 15 साल रहे हैं, स्कूलों का इतना हाल बुरा है आपको बता नहीं सकता मैं। जब दिल्ली सरकार के स्कूल जैसे बने ना, अगर निगम पार्षद जीत के आएगी, हमारी पार्टी आएगी तो ऐसे स्कूल जाए दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता है आप? बिल्कुल कार्यकर्ता, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, रिफ्यूजी लोग हैं, हम यहाँ रिफ्यूजी लोग आए थे। अच्छा। जितना हमें इनसे फायदा हुआ है किसी पार्टी से नहीं हुआ, किसी पार्टी से नहीं हुआ, तमाम बिगुल बच चुका है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अब जो है अखाड़े में खड़ी हुई है, भाजपा भी और कांग्रेस भी, लेकिन क्या लगता है कितने चांसेस हैं? ये तो आपके सामने आ जाएगा 4 तारीख को, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमें हर आदमी बताएगा, बुजुर्ग आदमी जितने भी। स्कूल मॉडल की अभी मैं बात कर रही थी, आपने कहा कि स्कूल इतने बढ़िया शानदार बना दिए, कुछ ही स्कूल बने हुए हैं जिसमें स्विमिंग पूल है, बाकी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। नहीं, दिल्ली सरकार टीचर तक नहीं आ रहे। दिल्ली सरकार के जो भी स्कूल है बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, उनके अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा और ऐसे निगम के जो स्कूल है वो खंडर पड़े हुए हैं, झरझर हुए हुए हैं। जिस दिन ये पार्टी जीत के आएगी आम आदमी की, आप बिल्कुल देखना कि ये इनका स्कूल कैसा नंबर वन भी आता है। अच्छा एमसीडी स्कूल की आप बात करें, वहाँ पर तो ध्वस्ती पड़ा हुआ है सारा, लेकिन मैं सरकारी स्कूल में जो बात कर रही हूँ वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। वो टीचर ये नहीं है तो ये आपस की हमारी लड़ाई है ना। हाँ। वो निगम में है नहीं, वो कहता ये काम कराएंगे तो वो कहता संसद कहता मैं कराऊंगा, ये झगड़ा, ये सड़क का झगड़ा और क्या है, सड़क कब की बन जाती। कर्मचारी रोड़ों पे आकर के अपने मुआवजे के लिए और अपने पेंशन के लिए बात है और आवाजें उठा रहे हैं। आप बिल्कुल देखना, पेंशन भी सबको मिलेगी टाइम सारी और सब काम बढ़िया होंगे, थोड़ा टाइम लगता है, अभी इनको आए को 3 साल MLA को हुए हैं, अब आप बताओ कोरोना का वक्त भी आ गया बीच में, फिर भी आप काम गिनती कराओ, यहाँ के इलाके से पूछो ना कि कितने काम किए उन्होंने। और क्या नाम है आपका? मेरा संजय दलवा। यही रहते हैं? बिल्कुल यही रहते हैं। तो आपको जनता है, जनता जनार्दन होती है और हमेशा सही फैसला बताती है, क्या लगता है? बिल्कुल सही है, जो मुद्दे हैं हमारे, हमने भाजपा से भी बोले और आप पार्टी से भी बोले हमने तो। हाँ। तो क्या लगता है एमसीडी में अब जो है आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या बढ़िया काम किया है? हमारे केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं,
क्या अच्छे काम किए हैं? देखो तीर्थ यात्रा अच्छा, शिक्षा की अभी मैंने बात की, बात करते हैं अभी जो है मेडिकल पे, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो भी ऐसे ही ध्वस्त पड़े हुए हैं। ऐसे कोई ध्वस्त नहीं पड़ा जी, बड़े अच्छे हमारा मोहल्ला भी नेहरू विहार के अंदर। आरोप लगा रही है भैया पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं, हमेशा यही मुद्दा है, उन्हें आरोप लगाने ही लगाने हैं। वो लगाती है राम को लाओ, चोला लाओ, भगवा लाओ, ये क्या बात है? अब जो पता जनता का मुद्दा है उसका उठाव रहा मुद्दा, ये क्यों उठाते? मनोज तिवारी कितनी बार आए? तीन बार आए, तो लगा गई सड़कें बनने की, चार महीने का आज तक तो नहीं बनी। अच्छा आम आदमी पार्टी के अभी जो है इतनी मुश्किलें बढ़ चुकी है, अब जो है लगातार वहां से एक वीडियो वायरल हो रही है सत्येंद्र जैन की मालिश कराते हुए। अरे मेरी बात सुन, सेंट्रल जेल के अंदर ये लोग पहुंच कैसे गए? इनकी वीडियो वायरल कैसे होगी सेंट्रल जेल में? जब सरकार भारत सरकार की है, झूठ है, मिली भगत है, वो कैदी था जिसने उसकी मालिश कर रहे हैं। अब कोर्ट ने दे दिया फैसला, रेपिस्ट था वो अपनी बेटी के साथ ही, उसने रेप जो भी हमें उसे कह लेना, क्या तो कैदी था ना, वो उसकी सेवा कर रहा है सत्येंद्र जैन की, जिसकी भी कर रहा है हाँ। कर रहा ना, मतलब बीजेपी आम आदमी पार्टी है, अगर सब सेम बरता रहे हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी सब सेम है, क्यों हमको आपको क्यों लाए फिर? अगर सत्येंद्र जैन को मालिश हो रहे हैं, आप कह रहे हो जेल में है, अगर आपका पार्टी सर अगर आपका पार्टी इतना सच्चा होता, पहले बोलने दीजिए सर, अगर आपका पार्टी इतना सच्चा होता तो सत्येंद्र जी जेल में क्यों होता मैडम? पहली बात। दूसरी बात, हम भी चाहते हैं बदलाव, लेकिन इस तरह से बदलाव करो सर, पहली बात नहीं कुछ किया, ईडी शीडी है क्या हुआ? कोई सबूत दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ, आपने प्रूफ दिखाया? किसी गवर्नमेंट ने प्रूफ दिखाया? अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? बदलाव सब चाहते हैं, हमें भी विकास से मतलब है, सरकार कोई भी आए। हमारा नाम है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? विकास हो, बीजेपी हमने 35 साल से रह रहा हूँ मैं, हाँ 35 साल जवानी से पूरा, गलत बता रहे हैं क्या? अच्छा, अच्छा आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? एमसीडी में सही है, एमसीडी में सही है, सही है बीजेपी? अरे वहाँ पे खुदा पड़ा है, नाले बह रहे हैं। आप राज्य में नहीं नहीं मैडम एक मिनट, ये सब आपके मेंबर है, सब केजरीवाल के मेंबर है, तो आपको उनका सच्चाई बताएंगे, और हम नागरिक है मेन, हमें वोट, हम तीन बार से वोट देख के आ चुके हैं सर, ठीक है? राज्य में केजरीवाल सिख जी सही है, और एमसीडी में बीजेपी सही है, और ये लोग बीजेपी सही है। क्या काम कर रही है, क्या काम किया है वो बताइए। क्या निष्पक्ष पूछ रही हूं, भी पूछा आपसे भी। मैं वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ सर, क्या मैं कुछ नहीं करता फिलहाल, टेंट हाउस से लड़ो मेरा। कहां से करोगे? रोजगार महंगाई हो रही है, रोजगार नहीं, रोजगार है, रोजगार एक मुद्दा वही है, रोजगार का एक गुजरात में एक एक जनता, उसको बोलने दीजिए, आप लोग बोलने दीजिए, गुजरात में एक एक जनता जैसे पूछिए आप, वो खुद का आत्मनिर्भर है, खुद का बिजनेस करता है वो, हाँ आत्मनिर्भर भारत हो गया, अच्छा हो गया है ना? पहली बात सुनिए, हमारा दिल्ली में ना मुफ्तखोरी हो चुका है, दिल्ली में मैं वार्ड नंबर 11 यही विधानसभा तिमारपुर आईडी दिखाओ। आप सब लोग उनसे क्यों पूछ रहे भाई, आम नागरिक के बोल सकता है वो अपनी आवाज़। तीन बार मैं वोट दे चुका हूँ, एक बार बीजेपी को, एक बार केजरीवाल साहब को भी दिया मैंने। आप किसके साथ जाएंगे? हम नहीं देते हैं। आप किसके साथ जाएंगे? एमसीडी में जो है वो ठीक कर रहा है, ठीक कर रहे हैं एमसीडी में तो, मगर वो जो कर्मचारी है वो तो झंडा ऊंचा करके खड़े हुए, पेंशन नहीं मिल रहा, बताऊं पैसा नहीं मिल रहा, रियलिटी बताऊं इनके, अरे बोलने नहीं दे रहे ये लोग, इनसे पूछो सवाल, मैं पूछ रही हूँ आपसे, इनसे पूछो, मैं पूछ रही हूँ, अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे भाई, अरे कैमरा ऑन है, आप बोलिए, तुम चलो क्यों चलो, अरे कौन हो आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? बोलने नहीं दे रहे, कोई बोलने दे रहे हैं ना, कोई बोलने, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा कैमरा ऑन है, मैं बोलने दे रही हूँ, केजरीवाल कोई बोलने दे रहे, बोलने दे रहे, कुछ भी बोलने दे रहे, उनको छोड़िए, आप बोलिए ना, क्या छोड़ो, बताओ क्या बोलूं, क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलना ही नहीं चाहते हैं, बोलिए आप, मतलब मैं सवाल कर दूं, बीजेपी वाला हूँ, मैं सवाल कर दूं, बीजेपी वाला हूँ, सवाल कर सकते हैं सर, राज्य में आपको मालूम है एमसीडी में मैडम जी, आप जब एक बात बताओ मुझे, एक मिनट बड़े, एक मिनट मुझे बताओ, ये छोटे बड़े दुकानदार हैं मैडम जी, छोटे बड़े दुकानदार हैं, इन पे ऐसा, अरे यार देखिए कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, आप कैमरा ऑन है, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली का इस टाइम मालिक किसे बनाया गया है, आप ये बताइए कौन है? केजरीवाल साहब मालिक, केंद्र शासित प्रदेश, बीजेपी के अंदर आती है, तो फिर
बस आप पहले ये समझिए कि किसका काम क्या है। वो समझा रहे हैं आप मत समझाइए। आपने समझा नहीं रहा, बोलने दीजिए ना। विरोध का तरीका होता है। एमसीडी का जो काम है वो एमसीडी तो करेगी। जो इनका केजरीवाल साहब है ना, उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। पिछली बार वोट मैंने दिया था कि दिलीप पांडे सर के साथ फोटो भी है मेरा। ये लोग ऐसी बात करते हैं। तो आम आदमी ने अच्छे काम नहीं किए, करे हैं, लेकिन ये मुफ्तखोरी नहीं चाहिए ना किसी को। मुफ्तखोरी कर रही है आम आदमी, बिल्कुल। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी गुजरात में जाके देखो, बीजेपी एमसीडी जो स्कूल है उनकी हालातें जर्जर पड़ी हुई हैं। एमसीडी में नाले और ये गलियां आती हैं। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों पार्टी के लोग खड़े हुए थे, इसलिए मैं उनसे सवाल कर रही हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी की भी अभी राय दिखाई, अभी ये बीजेपी की भी जो है एमसीडी में सरकार की उसकी बात बताया। हमें कोई गवर्नमेंट कुछ देता नहीं है, ठीक है। हम नागरिक है, हमें रोजगार से मतलब है। हमें रोजगार कौन देगा? कौन केंद्र शासित प्रदेश तो अकोस मोदी जी देंगे, और यहाँ राज्य में हूँ तो केजरीवाल साहब देंगे। तो रोजगार मिला है तुम्हें? रोजगार क्यों नहीं है, अपना खुद का आत्मनिर्भर है, किसी को निर्भर हो गए हो। हाँ बढ़िया चला रहे हम। देखिए ये भी बता रहे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं किसी पार्टी के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस कॉलोनी की सड़क पिछले 4-5 साल से टूटी हुई है। इतनी टूटी हुई है हमें नहीं मालूम ये कौन बनाएगा, पर ये आज तक नहीं बनी। और अगर लोग यहाँ करके इस टूटी हुई सड़क पर चल के खुश हैं तो लानत है इन लोगों की जिंदगी पर। इतना ही कहना चाहूंगा। किसकी सरकार आएगी थोड़ा सा बता? सरकार किसी की भी है, हमें इस कॉलोनी की सड़क बननी चाहिए, हमें इतना मालूम है। पिछले 5-6 सालों से सड़क टूटी हुई है, कोई इस पर ध्यान देकर आज किसी भी सरकार आए, लेकिन हाँ हमें कॉलोनी का यहाँ पर रोड चाहिए। सभी को हम अलग अलग एप्लीकेशन लिख चुके हैं। 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 साल से टूटी हुई है सड़क। ये 4 साल से टूटी है, मगर 15 साल से एमसीडी में जो है बीजेपी। मैडम मैं एमसीडी की और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर कॉलोनी की सड़क की बात कर रहा हूँ। हाँ ये सड़क टूटी हुई है। क्या नाम है आपका? आम जनता है आप, बताइए। मैडम मैं नो कमेंट। आई नो कमेंट बोल दिया इन्होंने। आप जनता जनार्दन है, आपका वोट जाता है। अच्छा मैडम मैंने वोट नहीं करना, मैंने नोटों का बटन नोटा का दबाना। इतना त्रस्त हो गए हैं क्या सरकारों से? हाँ जी। ये देखिए आम जनता की हालात और ऐसी हो गई पार्टी के हालात कि नोटा को दबाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये अभी तमाम जो है जनता जनार्दन से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये लोग जो यहाँ पर बता रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, 4 साल से जो सड़कें हैं वो बनी नहीं है, और लगातार यहाँ पर इनकी डिमांड यही है, भैया काम होना चाहिए, उसी सरकार को वोट जाएगा। और भी कुछ कोई कहना चाहता है क्या? क्या नाम है आपका भाई? कि ये सड़कों की हालात भी मैं दिखा देती हूँ, जो टूटी फूटी बताई जा रही है, जो 4 साल से टूटी हुई है। ये सड़कें हैं जो टूटी फूटी पड़ी है, और ये नाले हैं जिसपे कोई किसी तरीके की पट्टियाँ वगैरह नहीं ढकी गई है। गंदी तरीके से ये नाले पड़े हुए, ध्वस्त पड़ी हुई है ये नालियाँ हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ नेहरू विहार की जो नाले और ये सड़कें, ये पूरी सड़कें आप देख सकते हैं, टूटी फूटी खड्डे पड़े हुए हैं साइड में, और ये पूरी सामने आप देख सकते हैं। तो ये हालात है यहाँ पर, और आज यहाँ जनसभा जुटी थी आम आदमी पार्टी की। तो अब जो है बदलाव चाहती है जनता। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, अब जनता बदलाव चाहती है। लेकिन कई जो जनता जनार्दन है वो तो त्रस्त हो चुके हैं, वो नोटा का बटन दबाने के लिए भैया मजबूर हैं। तो अब ये हाथ में जो फैसला है वो सरकार को देखना चाहिए कि आखिर वो जनता के लिए और जनता के हक में क्या काम करती है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, नेहरू विहार, दिल्ली।